वृंदावन जाओगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कल्पनाओं से परे है वृंदावन। जो कोई वृंदावन जाता है उससे पूछना, जब वहां से वापस आता है तो दिल वहीं रह जाता है, सिर्फ शरीर वापस आता है। आज जो प्रसंग सुना रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सब ने सुना है कि कल्पतरु होता है एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठते हैं और सारी कल्पनाएं पूरी हो जाती है। ऐसा ही है मेरे ठाकुर जी का मंदिर। आप जो सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है वहां। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा, गोपाल गिल, अमृतसर के रहने वाले। बहुत साल पहले की बात है, अमृतसर में एक कपड़े के व्यापारी थे गोपाल गिल। बहुत ही धनी थे, इतनी संपत्ति थी कि उनको खुद अंदाजा नहीं था कि कितनी संपत्ति है उनके पास। लेकिन उनका स्वभाव अद्भुत था, बहुत धार्मिक अनुष्ठान करते, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते, बहुत दान देते, विद्यालय अस्पताल पता नहीं क्या क्या खुलवाया था उन्होंने। बहुत ही धनी व्यक्ति थे, स्वभाव के भी धनी और धन से भी धनी। वैसी ही उनकी खूबसूरत पत्नी थी चंद्रावली। दोनों ही पति पत्नी बहुत दयालु थे, बहुत दयावान थे। कहीं भी कोई भी गरीब व्यक्ति दिख जाता तो बस अपनी भावना, अपना प्रेम, अपना धन उड़ेल देते थे वहां पर। चाहते थे कि कोई गरीब ना रहे, चाहते थे सब प्रेम से रहें, सब खुशियों से रहें। और ईश्वर ने दिया भी बहुत था, बहुत दिया था। उनके आसपास के सब लोग सोचते थे कि धरती पर सबसे सुखी जोड़ा जो है वो गोपाल गिल का और चंद्रावली जी का है। इतना सुखी तो इस धरती पर कोई हो भी नहीं सकता। सब कुछ होते हुए बस एक चीज नहीं थी, वो थी संतान। संतान के लिए दुखी रहते थे। चंद्रावली बड़ा रोती थी जब भी किसी बच्चे को देखती थी, सोचती थी कि मेरा भी एक बच्चा हो, मेरी भी एक संतान हो। गोपाल गिल सोचते थे ईश्वर ने अथाह संपत्ति दी है पर उसका वारिस नहीं दिया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। जिसने जैसे बताया वैसे किया, तंत्र मंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ किया लेकिन संतान नहीं हुई। जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती कोई भी आत्मा धरती पर आ नहीं सकती और कोई भी आत्मा धरती से जा नहीं सकती। गिल दंपत्ति की उम्र बढ़ने लगी थी, अब आस भी छोड़ दी थी, अब लगने लगा था कि कोई संतान होगी भी नहीं। तो सोचा कि तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, प्रयाग गए, काशी गए और ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचे हमारे ठाकुर की नगरी वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे तो फाग का महीना था, फागुन का महीना था, वहां होली का माहौल था कि एकमात्र वो स्थान ऐसा है जहां सिर्फ इंसान होली नहीं खेलते, सब देवी देवता भी होली खेलते हैं। हमारे ठाकुर जी होली खेलते हैं, हमारी राधा रानी होली खेलती। जब रंगों में सरोबार वृंदावन को देखा तो गिल दंपत्ति मोहित हो गया, भाव विभोर हो गया, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। दर्शन करने गए राधा वल्लभ, राधा रमन, निधि वन, गोविंद देव जी, हर जगह दर्शन करने के बाद पहुंचे हमारे ठाकुर जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में। जब बिहारी जी के मंदिर में गए और बिहारी जी को देखा तो बस देखते रह गए। जब भी कोई बिहारी जी को देखता है बस देखता ही रह जाता है। बिहारी जी भी सबको उतने ही प्रेम से निहारते हैं। जब बिहारी जी को देख रहे थे, वहां का माहौल देख रहे थे, तो देख रहे थे कि कैसे गोस्वामी जी भक्तों पर पानी की पिचकारी से पानी डाल रहे हैं और भक्त ऐसे झूम रहे हैं, ऐसे स्नान कर रहे हैं जैसे बिहारी जी जल डाल रहे हैं। देख रहे थे दूसरे गोस्वामी जी गुलाल उड़ा रहे हैं और गुलाल के बादल बनते जा रहे हैं। सब कुछ रंगीन था। हमारे ठाकुर जी को देख करके भाव विभोर हो गए। ऐसा अद्भुत दृश्य कभी भी नहीं देखा था। कहीं कोई फाग के राग गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई गुलाल में सरोवर था, कहीं जल से कोई नहाया हुआ था। सब मग्न थे, सब खुश थे, ठाकुर जी की भक्ति में लीन थे। जोर से जय जयकार लग रही थी, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।
गिल दंपत्ति देखता रह गया। काफी अरसे बाद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आज पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि वो धरती पर नहीं है। यहां आने के बाद किसी को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब बिहारी जी मिल जाते हैं तो सारा संसार मिल जाता है, अनंत ब्रह्मांड मिल जाता है। ऐसा ही महसूस कर रहा था गिल दंपत्ति। मन में पहली बार खुशी दौड़ी थी। इतने में एक व्यक्ति आया, रंग में डूबा हुआ, गुलाल से ढका हुआ चेहरा, आकर के गोपाल गिल जी को अपनी बाहों में भर लिया। गोपाल गिल जी एकदम हैरान हुए। जब वो व्यक्ति पीछे हटा, उसने कहा कि गिल साहब, पहचाना मुझे? तो गोपाल जी बोले, अरे चंद्रमोहन जी, आप कब आए और कौन कौन आया है? चंद्रमोहन जी ने कहा कि सब लोग आए, पूरी मंडली आई है, आपको देखकर अच्छा लगा। मैं यहां गोस्वामी जी के पास रुका हुआ हूं, मंदिर के पीछे ही घर है, आपको गोस्वामी जी से मिलवाता हूं। अद्भुत व्यक्तित्व है, कमाल का तेज है उनके चेहरे पर, आप मिलोगे दिल प्रसन्न हो जाएगा, जो मुख से निकाल देते हैं वही पूरा हो जाता है, एक बार मिल लीजिए। गिल साहब ने कहा कि मुझे जरूर मिलना है उनसे, मुझे भी अपने मन की बात रखनी है। तो गिल साहब और उनकी पत्नी चंद्रमोहन जी के साथ गोस्वामी जी के घर गए। जब गोस्वामी जी के घर पहुंचे तो वहां विग्रह देखा संत हरिदास जी का। गोस्वामी जी ने हरिदास जी के बारे में बताया कि किस तरह अपनी संगीत साधना से भगवान को प्रकट किया था उन्होंने, कैसे बांके बिहारी आए थे। सुनकर गिल दंपत्ति भाव विभोर हो गया। गिल दंपत्ति ने गोस्वामी जी से कहा कि जीवन में सारा सुख है ईश्वर का दिया हुआ, सिर्फ एक सुख नहीं है, हमारे पास कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है हमारा, इसी बात से बहुत दुखी है और उम्र निकलती जा रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको नहीं पता आप कहां आए हैं, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो कल्पतरु हैं, जो भी व्यक्ति कल्पना करता है वैसा ही हो जाता है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं हमारे ठाकुर जी। आप आज यहां आए हैं, आपने इच्छा रखी है, तो जब अगले साल आएंगे तो अपनी संतान के साथ आएंगे। बस ये बात सुननी थी। गोपाल गिल जी और उनकी पत्नी दोनों की आंखें अश्रुओं से भर आई, दोनों रोने लगे, भावुक हो गए। गोस्वामी जी ने कहा कि आप जब मंदिर में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर की दीवारों पर स्वास्तिक बना हुआ है, सतिया बना हुआ है, बस आप दोनों भी जाकर के गोबर का स्वास्तिक बना दीजिए, सतिया बना दीजिए, आपको गाय का गोबर वहीं मिल जाएगा, और जब आप अगली बार आए हैं अपनी संतान के साथ तो इस सतिये को, इस स्वास्तिक को स्वर्ण से मण देना, ठाकुर जी की पोशाक लाना, ब्रिज में साधु संतों को भोज करवाना, दान दक्षिणा देना, सब अच्छा होगा। गोपाल गिल जी ने गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि आप मेरे साथ चलिए वो सतिया बनवाने के लिए। गोस्वामी जी साथ गए, सतिया बनाया गया, गाय के गोबर से वो सतिया बना। उसके बाद गोपाल गिल जी अपनी पत्नी के साथ अमृतसर वापस चले गए। जैसा गोस्वामी जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक साल बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, हष्टपुष्ट खूबसूरत पुत्र, गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर, एकदम ठाकुर जी का बाल रूप। गिल दंपत्ति बच्चे को लेकर वृंदावन आया, बांके बिहारी के मंदिर में गोस्वामी जी से मिला, बच्चे का नाम रखा रास बिहारी। एक छोटा रास बिहारी अनंत ब्रह्मांड के मालिक से मिलने आया था, जो पूरी दुनिया का रास बिहारी। सब बड़े खुश थे। गिल दंपत्ति ठाकुर जी के लिए पोशाक लेके आए, पोशाक धारण करवाए, वहां दान दक्षिणा दी, साधु संतों को भोज करवाया, बड़े खुश थे, मन प्रसन्न था। गोस्वामी जी ने प्रसाद रूप में गिल दंपत्ति को ठाकुर जी की एक चुनरी दी और कहा कि जब भी आपके बच्चे को कभी पीड़ा हो, कभी दुखी हो, कभी बीमार हो, तो उस पर से ये चुनरी उतार देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गिल दंपत्ति बड़े प्रसन्न थे, वापस अपने घर पहुंचे, बड़े खुश थे। समय बीतने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे 15 साल बीत गए, 16वां साल आया। बच्चे को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उसके सोचने से पहले हर चीज आ जाती थी, क्योंकि गिल दंपत्ति के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात इंसान के स्वभाव में है, जब उसके आनंद का समय चलता है तो वो अपने आराध्य को भूल जाता है।
वही हुआ। बच्चा 15 साल का हो गया था, 16वां साल लगा था। जन्मदिन मनाया गया, बड़े बड़े लोग आए, राजनीतिक लोग, पूंजीपति लोग, सब तरह के लोग आए। बच्चे का जन्मदिन बड़े स्तर पर मनाया जा रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था, नृत्य नाटिकाएं हो रही थी, सब आनंद में थे, सब मग्न थे, सब लोग खुश थे, बड़े बड़े लोग आए थे। अचानक से बिजली चली गई। जैसे ही बिजली गई, इधर रास बिहारी जो अपने 16वें वर्ष में कदम रख रहा था, कुर्सी से लुढ़क गया और बेहोश होकर गिर गया। तुरंत बिजली भी आ गई, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई, देखने लगी क्या हुआ रास बिहारी को। गिल दंपत्ति ने देखा, रोने लगे, घबरा गए, डर गए। बच्चे को अंदर ले जाया गया। उन्हीं सब लोगों की भीड़ में कुछ डॉक्टर्स भी आए थे। डॉक्टर्स ने देखा, समझ में नहीं आया कि बच्चे को अचानक से हुआ क्या। गिल दंपत्ति का रो रोकर बुरा हाल था। बच्चे का इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। प्रोग्राम बंद कर दिया गया, सब लोग चले गए। समय बीतने लगा, पूरी रात्रि बीत गई, बच्चे को होश नहीं आया। अगले दिन होश आया, बीमारी समझ में नहीं आई। बच्चा एकदम स्थिर था, शरीर में बहुत कमजोरी थी, उठ नहीं पा रहा था। जब बच्चा उठ नहीं पा रहा था, और डॉक्टर्स को बुलाया गया, सबको दिखाया गया, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। हालात खराब हो गए थे। गिल दंपत्ति का रो रोकर बुरा हाल था। एक ही संतान थी और ये दोनों विवश थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। बच्चा जिस हालात में था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। यहां लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, लोगों ने अपने आप में बातें बनानी शुरू की, और लोगों ने कहा कि बहुत पैसा कमाया है ना सेठ ने, पता नहीं कितना पाप किया होगा, इतना पैसा ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, देखो सारी बच्चे में से निकल गई। अब ये लोगों के मुंह है, कौन बंद कर सकता है, लोग तो कुछ भी बातें करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, जब कोई भी व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है, धन संपत्ति वाला होता है, तो लोग उसमें से नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। यकीन मानना दोस्तों, जिसके पास जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। जिसके पास जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की चाह होती है, इसीलिए उसके पास होता है। ये बात सुनकर गिल दंपत्ति बड़ा उदास था कि मैंने कितनी लोगों की सेवा की है, कितना मैं लोगों के साथ रहा हूं हर मुसीबत की घड़ी में, और लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जब ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी तो दिल टूटता जा रहा था। इधर बच्चे की हालत खराब थी और इधर लोग दूर हट रहे थे। लगातार बच्चा कमजोर होता गया, शरीर पीला पड़ गया, शरीर में उठने की ताकत ही नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इधर बूढ़े गिल दंपत्ति भी बहुत कमजोर हो गए थे, सारी सारी रात जागते रहते थे, बच्चे के पास बैठे रहते थे। एक दिन चंद्रावली को, बच्चे की मां को, गहरी निंद्रा आई, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। जैसे ही निंद्रा आई, स्वप्न में ठाकुर जी दिखाई दिए, बांके बिहारी का मंदिर दिखाई दिया, और वो समय दिखाई दिया जब ये रास बिहारी को लेकर के ठाकुर जी के सामने खड़े थे, और गोस्वामी जी ने वो चुनरी दी थी कि ये चुनरी बच्चे के सर पर से उतार देना, जब भी बच्चे को कोई पीड़ा हो, तकलीफ हो, याद रखना ये चुनरी बच्चे के सर पर से उतार देना। निंद्रा टूटी, खड़ी हुई, भाग करके उस संदूक के पास गई जिसमें वो 15 साल पहले चुनरी रखी हुई थी। चुनरी को निकाला, बच्चे के सर पर रखा। ठाकुर जी याद आए। गिल दंपत्ति लगातार बोलता रहा, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दिन रात बस एक ही बात, बांके बिहारी लाल की जय। हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे बांके बिहारी। और अगले 7 दिन में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद गिल दंपत्ति ने कभी बांके बिहारी को नहीं भूला। लगातार बच्चे के साथ बांके बिहारी के पास आने लगे, ठाकुर जी के पास आने लगे। दोस्तों, ये इंसान का स्वभाव है, जब आनंद में होता है तब कभी ईश्वर को याद नहीं करता है। सच्चा भक्त वही होता है, सच्चा प्रेमी वही होता है जब सुख और दुख उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ठाकुर जी हमेशा कहते हैं, सुख दुख तो आना जाना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम मेरे साथ रहना, सुख दुख तो आता जाता रहेगा। आज के बाद हमेशा याद रखें, जब भी आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपको प्रसाद स्वरूप वहां से चुनरी मिलती है, वो ठाकुर जी की ऊर्जा है,
उसका सही समय पर इस्तेमाल करें। ठाकुर जी का प्रसाद है, वो आशीर्वाद है उनका। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही आपके साथ है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सिर्फ ईश्वर ही आपके साथ रहेंगे। कितना भी आनंद आए ईश्वर को कभी ना भूलें, क्योंकि ईश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।